हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए, ये बैगन है और बैगन से मैं एक अच्छी डिश बनाऊंगी आपके लिए, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। बैगन को मैं बीच से काट ली हूँ और बैगन चाट बना रही हूँ, तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी डिश है ये। तो पहले पानी को गर्म कर लेंगे नमक डाल के, और इमली को फुला के रख देंगे भिगो के। 2 मिनट पहले भिगो के रख देंगे इमली को। जब पानी खोल जाए तब इसमें बैगन डालेंगे। पानी खोलने के बाद ही बैगन डालिएगा, नहीं तो ये काला बैगन हो जाएंगे। ठंडे पानी में बिल्कुल भी बैगन मत डालिएगा। और लॉकडाउन के समय मेरे घर में यही बैगन थे बड़े वाले, तो मैं इसमें बना रही हूँ। ऐसे पतले छोटे वाले बैगन आते हैं तो उसमें और भी अच्छे बनते हैं। तो इसको मैं बॉयल कर रही हूँ। देखिए ये पक गई है, इसको चेक करेंगे। तो देखिए, चेक करने से दब जा रहे हैं, मतलब ये पक गए हैं। इसमें और बैगन में काट के डाल दी थी। अब ये प्याज बारीक काट ली हूँ, और धनिया पत्ता, लाल मिर्ची सबको काट के रखी हूँ। बॉयल वाली बैगन है, और इमली का रस को निकाल दी हूँ। तो चलिए कैसे बनता है बताती हूँ, और एक घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी डिश है ये। तो तवा, बड़े तवा गैस में बैठा ली हूँ, और ऑयल डाल दी हूँ, और इसको चारों तरफ से ऑयल को अप्लाई कर लूँ। चारों तरफ से फैला देना है तेल को, ताकि बैगन चिपके ना। अभी उसमें तेल लगा दी हूँ। अब बैगन को एक एक करके रखूँगी। बहुत ही जल्दी बन जाती है डिश, ज़्यादा टाइम नहीं लगती है इसको बनने में। आप जब खाना बैठोगे तब इसको 10 मिनट के पहले आप इसको बनाना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। अब इसके ऊपर मैं प्याज डालूंगी जो बारीक काट के रखी थी, जैसे चाट बनाते हैं ना, गुपचुप के ऊपर डालते हैं हम लोग, प्रिपरेशन करते हैं उसी टाइप का आपको बैगन के ऊपर डालना है। अब इसके ऊपर हरी मिर्च डालेंगे। मैं लाल कलर की हरी मिर्च लॉकडाउन के समय जो है घर पे, मैं उसी से बना रही हूँ। और आपके पास हरी मिर्ची है तो हरी मिर्ची भी ऐड करना, लाल मिर्ची भी ऐड करना। लाल मिर्च, ये हरी मिर्ची है जो इसकी कलर लाल हो गई है, मैं उसे ऐड कर रही हूँ, देखने में सुंदर लगती है। और इसके ऊपर मैं धनिया पत्ता डालना है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पड़ता है, ज़्यादा मसाले वसाले पड़ते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसके ऊपर धनिया पत्ता डालना है, धनिया पत्ता ज़रूरी है। अब इमली का जो रस बना के रखे हैं उसको डालेंगे चारों तरफ से। सब में डालेंगे एक एक करके चारों तरफ से इमली के रस को। और इसके ऊपर आप नमक भी थोड़ा डाल दीजिएगा। बैगन को नमक डाल के उबाले थे, फिर इमली डाले ना, तो इसके ऊपर हल्का हल्का नमक छिड़क देंगे चारों तरफ से। एक जगह नहीं डालेंगे, चारों तरफ फैला के डालेंगे। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना डिश। अभी बनी नहीं है, अभी बनना बाकी है। तो अब इसको धीरे से पलटी करेंगे, क्योंकि नीचे में तो पक रही है वो, जब तक मैं डाल रही थी तब तक इसका प्रिपरेशन हो रहा था। अब धीरे से इसको हल्के हाथों से पलटी करेंगे, ताकि टूटे ना। तो उसमें ज़ोर मत लगाइएगा, और चारों तरफ से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से बैगन नीचे भी अच्छी तरह से क्रिस्पी और लाल हो जाएंगे, और ऊपर में भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे, ताकि पलटी करें तो सारे मसाले अच्छे से रहे। आँच को एकदम मीडियम साइज में रखेंगे, जोर नहीं रखेंगे। तो इसको पलटी कर दिए हैं, आप भी धीरे धीरे पलटी कीजिएगा। अब फिर इसको दूसरी तरफ भी देखिए, ये भी बन के रेडी है। जब खाने बैठेंगे तब 10 मिनट पहले ही बन के रेडी हो जाती है। अब इसे गर्मा गर्म परोसे चावल के साथ में ही अच्छे लगते हैं ये। तो बन गई ना बैगन चाट फ्राई।
इसको घर पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी बैगन मिले उस दो दो टुकड़े करके ही बनाना, क्योंकि बॉयल करते समय वो नज़दीक सॉफ्ट हो जाते हैं, तो पतले पतले बिल्कुल नहीं काटना, दो दो के काटना। तो अगर दोस्तों अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए।